हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम करेंगे वन लाइनर्स की फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश में। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैं आपको पहले ही अपनी 12 बजे की क्लास के अंदर कवर करा चुका हूँ डिटेल्स में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपको रिविज़न करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, और अब शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया का स्थान कौन सा रहा? तो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया का स्थान रहा है दूसरा। क्वेश्चन नंबर टू, पहली बार एक बाघ के अंदर कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, ये बाघ किस देश में मिला? अमेरिका में मिला है। तो ये बाघ कहां पर मिला है? अमेरिका में। अब आप लोगों के लिए आज का मेरा पहला सवाल, जिसके बारे में मैंने आपको कल दोपहर को 12 बजे वाली वीडियो के अंदर डिटेल्स में पढ़ाया था कि इस बाघ का नाम क्या है, और दूसरा ये न्यूयॉर्क में मिला है। तो न्यूयॉर्क के अंदर जिस जू के अंदर ये मिला है, आप उसका नाम कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी COVID-19 संबंधित सूचनाओं के लिए COVID-19 ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा COVID-19 ऐप लॉन्च किया गया? तो COVID-19 ऐप लॉन्च किया है मिजोरम ने। किसने? मिजोरम ने। और मैंने आपको बताया था मिजोरम क्या है, वो राज्य है जो भारत के 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से? त्रिपुरा, असम और मणिपुर, और म्यांमार को भी ये टच करता है। तो करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए जियो फेसिंग ऐप का प्रयोग किया गया है, ये किस राज्य ने किया है? जियो फेसिंग ऐप, जो क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनका पता लगाने के लिए, तो ये किया है केरल सरकार ने। तो करेक्ट आंसर होगा केरल। अब केरल के गवर्नर और सीएम का कमेंट करके नाम बताओ, केरल के गवर्नर कौन है और केरल के सीएम कौन है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में सेबी में शामिल किस पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सेबी की माधवीपुरी जो पूर्णकालिक सदस्य है उनका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अब समय है एक बार चीज़ों को रिवाइज करने का। और रिवाइज कैसे करते हैं मालूम है आपको? बिल्कुल, मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आपको देना है उसका जवाब। कोई भी चुप नहीं बैठेगा, आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन बोलने की कोशिश करिएगा, आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। बोलिएगा जरूर। तो बताइए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया का स्थान कौन सा रहा? बोलो भाई, दूसरा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस देश में एक बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने सभी COVID-19 संबंधित सूचनाओं के लिए COVID-19 ऐप लॉन्च किया है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन यह है कि COVID-19 ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के लिए जियो फेसिंग ऐप का इस्तेमाल कौन सा राज्य करेगा? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, सेबी में किस पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? माधवीपुरी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, हाल ही में किसने भारत में COVID-19 मामलों को तेजी से पता लगाने के लिए एंटीबॉडी परीक्षणों की सिफारिश की है, कि जल्दी से जल्दी हम जो है कोरोना वायरस का पता लगाए कि ये कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है? तो इसकी जो सिफारिश की है, ये की है ICMR ने। अब ICMR का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण राव को। तो किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण राव जो है ये नैसकॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक और प्रवीण कुमार है, प्रवीण राव है, जिनका नाम है वी प्रवीण राव, उन्हें 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो वाइस चांसलर है तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वो है वी प्रवीण राव। और ये है प्रवीण राव जिन्हें बनाया गया है नैसकॉम का अध्यक्ष, इन्होंने मुरुगेश को जो है रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की मंजूरी दी है?
30% की कटौती की जाएगी राष्ट्रपति सांसदों के वेतन में। क्वेश्चन नंबर 9th, विकास और शांति अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, विकास शांति अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 10th, वी शेप टनल जो है ये किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए लॉन्च किया है? तेलंगाना। किसने? तेलंगाना। अब समय है एक बार चीज़ों को रिवाइज करने का, तो शुरू करते हैं। आप, मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आप जवाब देंगे, प्लीज़ जवाब दिया करो, मज़ा आएगा क्लास का। तो तेजी से पता लगाने के लिए कि कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, उसके लिए एंटीबॉडी परीक्षणों की सिफारिश किसने की है? बोलो। वेरी गुड, ICMR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वेरी गुड, प्रवीण राव। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? 30%, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9th, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10th, किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल लगाई गई है? वी सेफ टनल, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11th, और कल ही मैंने इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाया था, नासा ने 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव आधार शिविर स्थापित करने के लिए किस योजना का अनावरण किया? तो इस योजना का क्या नाम है? अर्टेमिस। अब यहाँ पर अर्टेमिस के तहत 2024 तक जो है मानव को चांद पर भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिन लोगों ने कल मेरा दोपहर का वीडियो देखा था उन्हें मालूम होगा, दोस्तों डिटेल्स में इन चीज़ों को जरूर देखा करो। जो क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने लायक होता है मैं उसको डेली 12 बजे कराता हूँ, पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 12th, हाल ही में सिविल सेवकों के संघ ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? करुणा अभियान की। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 14th, हाल ही में किसने जीवन नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है? तो ये बनाया है भारतीय रेलवे द्वारा। अब एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th से, सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल किसने लॉन्च किया? वेरी गुड, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 14th, मानवों के लिए चांद पर एक जो है मानव आधार शिविर स्थापित किया जाएगा, इस प्रोग्राम का क्या नाम है? अर्टेमिस। वेरी गुड, सिविल सेवकों के संघ ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? करुणा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? बहुत बढ़िया, 5 अप्रैल को। बोलते रहोगे तो चीजें याद रहेंगी। किसने जीवन नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया? भारतीय रेलवे ने। अब टाइम है एक बार चीजों को इंग्लिश में करने का, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1st, हु डिजाइंड अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर कॉल्ड जीवन? इंडियन रेलवे। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी होगा वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिविल सर्वेंट्स एसोसिएशन हैज लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू फाइट COVID-19 पेंडेमिक? करुणा। क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड? 6th of April। क्वेश्चन नंबर 4th, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस सेलिब्रेटेड ऑन 5th of April। इन विच स्टेट वी सेफ टनल हैज बीन इंस्टॉल्ड टू सैनिटाइज पीपल? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6th, ड्यू टू COVID-19 इफेक्ट द सैलरी ऑफ PM, प्रेजिडेंट एंड MPs विल बी कट बाय 30%। क्वेश्चन नंबर 7th, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NASSCOM? प्रवीण राव। क्वेश्चन नंबर 8, नासा हैज अनवेल्ड विच प्लान टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप ऑन द मून साउथ पोल बाई 2024? Artemis। क्वेश्चन नंबर 9th, इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया इज ऑन विच पोजिशन? 2nd।
क्वेश्चन नंबर 10th, इन विच कंट्री अ टाइगर वॉज इन्फेक्टेड विद COVID-19 फॉर द फर्स्ट टाइम? अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 11th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड COVID-19 ऐप फॉर ऑल COVID-19 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? मिजोरम. क्वेश्चन नंबर 12th, विच इज द फर्स्ट स्टेट हु यूज द जियो फेसिंग ऐप टू फाइंड दोज हु वायलेट क्वारंटाइन? केरला. क्वेश्चन नंबर 13th, विच फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर फॉर 6 months? माधवी पुरी. क्वेश्चन नंबर 14th, हु हैज रिकमेंडेड एंटीबॉडी टेस्ट फॉर रैपिड इलेक्शन टू COVID-19 केसेस इन इंडिया? ये डिटेक्शन है, डिटेक्शन, ICMR. तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जिसका जवाब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे. हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है? फिर से सुनिए, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया? कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता तो गूगल पर सर्च करिएगा. अगर तब भी नहीं पता तो कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा. तो डेली 6 बजे आप लोगों का क्लास होता है. अब आप मुझे बताएंगे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे. तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू. और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना. तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही. मिलते हैं दोपहर को 12 बजे कुछ नए क्वेश्चंस जो डिटेल में पढ़ने बहुत ज़रूरी है. तो 12 बजे तैयार रहना. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. टेक केयर, लव यू ऑल.